सत्यमेव व्रतम। महाराष्ट्र में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, ज्यादातर विधायक बनेंगे राज्य मंत्री, देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। अपने सरकारी निवास पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादातर नए मंत्री राज्य मंत्री होंगे। फिलहाल राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 18 कैबिनेट मंत्री हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के 9 और सहयोगी बीजेपी के 9 मंत्री हैं। शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के उद्धव ठाकरे नीत गठबंधन सरकार गिर गई थी और 30 जून को वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई थी। 30 जून को केवल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी और 9 अगस्त को मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया गया था। महाराष्ट्र में मंत्रिपरिषद में 43 तक मंत्री हो सकते हैं। जब फडणवीस से पूछा गया कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका का बहुप्रतीक्षित चुनाव कब होगा, तब उन्होंने कहा कि यह अदालत को तय करना है। वह बीएमसी चुनाव और ओबीसी राजनीतिक कोटे को लेकर अदालत में दायर की याचिकाओं का परोक्ष रूप से जिक्र कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर सहमति जताई कि बीएमसी जैसे महत्वपूर्ण निकाय को लंबे समय तक एक प्रशासक के नियंत्रण में रखना वांछनीय नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 40 दिनों से अधिक समय के बाद शिंदे ने 9 अगस्त को अपने नए मंत्रिमंडल के लिए पोर्टफोलियो आवंटन की घोषणा की थी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिंदे खेमे के 18 और भाजपा के 9 विधायकों को पद की शपथ दिलाई थी, जबकि सभी 18 कैबिनेट मंत्री थे। किसी भी राज्य मंत्री या कनिष्ठ मंत्रियों ने अभी तक शपथ नहीं ली है। एक सूत्र ने कहा, कैबिनेट विस्तार को टाले जाने की संभावना है, ऐसा होना ही था, लेकिन किसे शामिल किया जाएगा इस पर आम सहमति नहीं बन पाई। हमारे पास 40 विधायक है और अब तक केवल 9 ही शामिल हुए हैं, अन्य 32 प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनमें से कम 14 मंत्री पद का दावा कर रहे हैं। उनके अलावा निर्दलीय और छोटी पार्टियां हैं जो हमारे साथ हैं और उन्हें जगह देनी होगी। शीतकालीन सत्र से पहले विस्तार होने की संभावना नहीं है, इसलिए राज्य के संचालित बोर्डों पर नियुक्तियां खोली जा सकती हैं। राज्य में 79 निगम और बोर्ड हैं।